कुछ लोग रामलीला देखने में मग्न थे तो कुछ मेले की खरीदारी में खोए हुए थे, मगर किसी को क्या पता था कि चार पैर वाली आफत उन पर टूटने वाली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यहां रामलीला मेला मैदान में एक आवारा सांड घुस गया और उसने जमकर उत्पात मचाया। सांड ने एक बच्चे समेत महिला पर हमला भी किया। हालांकि भीड़ ने किसी तरह बच्चे को बचाया, मगर इस घटना से मेला मैदान में भगदड़ सी मच गई। बड़ी मुश्किल से उस सांड पर काबू पाया गया और उसे पकड़कर गौशाला भेजा गया। बताया जा रहा है कि लाउडस्पीकरों की आवाज सुनकर सांड परेशान हो गया था और उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मेले में अफरा तफरी का माहौल बना। वायरल वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि सांड के उत्पात से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं। मेले में मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खचाखच भरे मेले में लोग घूमने का आनंद ले रहे थे और चूंकि रविवार की छुट्टी थी, इस कारण मेले में भीड़ भी काफी थी। इस दौरान एक आवारा सांड हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बनाता हुआ अंदर घुसता गया। बस गनीमत इस बात की रही कि किसी को चोट नहीं लगी, मगर इस घटना के बाद से ही प्रशासन की किरकिरी हो रही है। पहले ही आवारा सांडों और सड़क पर खुला घूम रहे अन्य जानवरों के चलते विपक्ष के निशाने पर सरकार रहती है और इस तरह की घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या आम इंसान की सुरक्षा भगवान भरोसे है। हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सड़क पर खुला घूम रहे जानवरों का एक वीडियो शेयर किया था। इसके अलावा भी यूपी के तमाम जनपदों से गाहे बगाहे सांडों के किसी न किसी तरीके के वीडियो सामने आते ही रहते हैं। फिर चाहे वो चार मंजिला भवन की छत पर चढ़े दो सांड हो जिन्हें बड़ी मुश्किल से क्रेन मंगा कर नीचे उतारा गया था, या फिर कूड़े के ढेर पर जुटे हुए आवारा जानवर अपनी भूख मिटाते हुए, ये तमाम तस्वीरें यूपी की गौशालाओं की भी पोल खोल कर रही हैं और खुला घूम रहे ये जानवर ये बता रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती और रिस्क पर है। NBT ऑनलाइन के लिए हापुड़ से रामबाबू मित्तल की रिपोर्ट।